أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم वालेकुम। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात आज शबे महराज के हवाले से, और आप सबको जो है वो अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। आज का हमारा मकसद जो है, जैसे कि आप तमाम लोगों को जो है जो हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उन तमाम लोगों को जो है वो महराज जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमें एक मौका दिया गया है जिसमें हम अपने तमाम तर गुनाहों का जो है वो गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं रब्बुल इज़्ज़त से, और ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा एक हमारे पास मौका है जिसमें हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। रोज़ाना ही हम यहाँ पर जो है वो आपके साथ दीगर जितने मौजू होते हैं अलग अलग मौजू के साथ हम आपके सामने जो है वो मौजूद होते हैं, और हमारा मकसद जो होता है वो एक ही होता है कि आप लोगों के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट हम बिखेर सके। लेकिन आज के प्रोग्राम के आगाज में ही मैं आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ है, उन तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी आज के पूरे दिन जो है वो आपने दुरूद व सलाम जो है उसका विर्द जारी रखना है, दुरूद पढ़ते रहना है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है, क्योंकि ना जाने कब हमारी जो है वो एक दुआ कबूल हो जाए, कब किसके सदके जो है वो अल्लाह पाक हमारी एक दुआ कबूल कर दे। हमें मौका चाहिए होता है कि हम जो है वो अपनी दुआओं को जो है वो वसीले के ज़रिए हम दुआ कबूल अता करे अल्लाह हमारी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ को अगर देखा जाए तो वो अपने जो बच्चा होता है उससे वो उस हद तक मोहब्बत करती है कि अगर उस बच्चे को कोई तकलीफ़ हो तो वो माँ चैन से नहीं बैठ सकती। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो अगर तकलीफ़ में हैं, वो परेशानी में मुब्तला है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने बंदे की जो है वो मदद ना फरमाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो वहाँ वहाँ से मदद अता करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ वहाँ से अल्लाह पाक जो है वो हमें मदद देता है। आज हमारी जो है वो हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी नशस्त जो यहाँ पर आज एक मुख्तसर सी जो नशस्त लगी है, हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम जो है वो तमाम तर लोग अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं रख सकें, अपनी इल्तिजा रख सकें, अल्लाह की बारगाह में जो है वो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रिया बनाकर जो है वो उन अल्लाह की बारगाह में आज हम दुआएं कबूल करा सकें। हमारे माशरे में जो है वो बेहद मुश्किलात हैं। हमने 2020 का शब मेराज भी देखा, 2020 में जो हालात थे, अल्लाह का शुक्र है कि 2021 में वो हालात नहीं हैं, लेकिन 2020 में जो हालात थे, 2020 के अंदर शब महराज भी आई, शब महराज के अंदर जो 2020 के हालात थे वो इंतहाई गंभीर थे, क्योंकि उन हालात में तमाम तर जो है वो इर्द गिर्द लॉकडाउन था, प्यारे जो है वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तमाम तर जो हॉस्पिटल्स थी, तमाम तर हॉस्पिटल्स भरी हुई थी, हर जगह पर हमने देखा कि तमाम तर लोग परेशान हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है वो बहुत बड़ी वबा कोरोना वायरस से जो है ना सिर्फ एहतियात करके फाइट की, बल्कि अल्लाह पाक से जो है वो दुआएं कर कर के हमने जो है वो इस वबा से निजात भी जो है वो हासिल की है। लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वबा से निजात हासिल हम नहीं कर सके हैं, तो आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि बराए करम जो है वो एहतियात करें। आज हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में भी है जो है वो सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाया है, और सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाने के बाद हमने जो है वो एक मुख्तसर सी नशस्त आपके सामने हम लेकर आए हैं, और जो है वो मैं बकायदा प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ भी करूंगी। बहुत ही प्यारी मेरी एक बहन ने जो है वो तिलावत से आज हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया, और जो सुबह को कहते हैं कि कुरान का अगर एक लफ्ज़ भी पढ़ा जाए तो कुरान के एक लफ्ज़ पे भी अल्लाह पाक जो है वो 10-10 नेकियों का सवाब देता है, सिर्फ कुरान के एक लफ्ज़ पे। तो अगर हम अपनी रोज़ की आदत बना लें कि हम सुबह उठते ही कुरान की तिलावत करें, हम अपने दिन का आगाज़ जो है उसको कुरान की तिलावत से करें, तो हमारी बेहद जो मुश्किलात हैं, हम जो परेशानियों का शिकार होते हैं, जो परेशानियों में मुब्तला होते हैं, हम उन चीज़ों से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। हम
सिर्फ परेशान होकर ये कह रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आखिर हम कहाँ जाएं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरा ये काम था, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने से मुलाकात का एक इतना सा जो है वो जरिया रखा है। अगर हम 5 वक्त के नमाजी हो जाए तो क्या हम अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकते? हमारे दिल साफ होने चाहिए। इन्ना अमालु बिन नियात, तमाम तर ईमान का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ ईमान पर है। तो अगर हम अपनी नियतों को साफ कर ले, अगर हम हसद जो करते हैं लोगों से, अगर हम उन चीज़ों से ही अपने आप को परे करके हम अपनी नियतों को साफ कर ले, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाएगा? क्योंकि अगर हम अपनी नियतों को साफ करें तो अल्लाह हमारी नियतों को जानने वाला है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अल्लाह पाक तो हमें देख रहा होता है ना, अल्लाह पाक हमें हर वक्त देख रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक वो चीज़ें भी देखता है जो कोई नहीं देख सकता। आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या दर्द है, अल्लाह पाक को हर चीज़ का इल्म होता है और अल्लाह पाक ही उस दर्द से आपको निजात जो है वो हासिल करता है। बड़ी बात है ये, तमाम तर वैसे जो है वो मौजज़ात तो हमारे दीन इस्लाम में बेहद जो है वो मौजूद है, दीन इस्लाम में मौजज़ात मौजूद है, लेकिन जब हमारी नज़र में शब मेराज का मौजज़ा आता है तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है, क्योंकि हैरत अंगेज़ एक वाक़ है जो कि ये पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा रास्त जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात की है इस दिन, तो ये बड़ी बात है। और तमाम तर जो लोग हैं, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जब हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौट आए शब मेराज से, उसके बाद जो है वो तमाम तर लोगों ने जो है बहुत बेहद लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो है वो इस बात पर तनकीद भी की और इस बात को रद्द कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने इस मामले को रूहानी भी जाहिर किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक ख्वाब देखा होगा और ख्वाब देखने के बाद जो है उसे वो हकीकत बता रहे थे, तो लिहाजा वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तमाम तर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अर्ज किया कि अगर आप शब महराज जो है वो महराज करके आए हैं, अगर आप 7 आसमानों का दौरा करके आए हैं, तो आप ये बताएं कि तमाम तर जो दरवाजे हैं वहां पर उनकी तादाद कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी तादाद, मैंने वो दरवाजे देखे हैं लेकिन उनकी तादाद में बता नहीं सकता। उसी वक्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो तमाम तर 7 आसमान का और मस्जिद अक्सा का मंजर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने रख दिया। और ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दरवाजों की तादाद बताई बल्कि उनकी तफसील भी बताई। जब ये बात हज़रत अबू बकर जो है उन तक पहुंची ये बात, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन तक ये बात पहुंची तो उनसे कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये तमाम तर माजरा बता रहे हैं कि वो 7 आसमान का दौरा करके आए हैं, और ना सिर्फ वो 7 आसमान का दौरा करके आए हैं बल्कि वो तमाम तर अम्बिया से मुलाकात करके आए हैं। अम्बिया से मुलाकात करने के बाद वो हमारे अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान जो है वो सिर्फ 2 हाथों का फासला था और वो रू बरू एक दूसरे के सामने उस वक्त जो है वो पेश हुए थे। जब हज़रत अबू बकर तक ये बात पहुंची तो हज़रत अबू बकर जो है वो पहले वो इंसान थे जिन्होंने इस बात पर यकीन किया। वो उसी वक्त जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और उन्होंने इस बात पर ना सिर्फ यकीन किया और ये तस्दीक की कि अगर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है तो ये बेशक सच है और इस पर शक करना जायज़ ही नहीं है। तब से जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का नाम जो है वो उनको लकब सिद्दीक भी अता किया गया है। और तमाम तर चीज़ें जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे आज जो है वो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर सादिया मुइन हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर भी माशाल्लाह से बेहद प्रोग्राम्स जो है वो भी करती हैं। आपको वेलकम करूंगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे साथ जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे साथ बुशरा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नातख्वा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है। हाजरा जो है, हाजरा तहमूर भी हमारे साथ हैं जो कि जो है वो नातख्वा हैं। हाजरा, आपको मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में, और कैसी हैं आप? ठीक है। राहत, आपसे मुलाकात बेहद रही है और आपको जो है वो जानती भी हूँ, मैं भी जानती हूँ। राहत हमारे साथ तमाम तर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो जुम्मे की हमारी जो है वो नशिस्त लगती है, उसमें भी राहत हमारे साथ यहाँ मौजूद होती है। राहत, आपको भी वेलकम करूँगी, कैसी हैं आप राहत? बेशक जो है वो बहुत ही अच्छी सी जो है वो एक हमारे सामने यहाँ नाद भी पेश की थी हमारे सामने, और अब वो नाद भी पेश करेंगी राहिला जो है। राहिला, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप?
अच्छा, यहाँ तमाम तर जो लोग मौजूद थे बेसिकली उनके रोज़े के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि तमाम तर लोगों का रोज़ा है और रोज़े के बावजूद जो है वो आज हमारे सामने ये कलाम जो है वो पेश करेंगी। और बड़ी बात होती है कि जो है वो कलाम पेश किया जाए। मैंने हाजरा तैमूर को कर दिया और हाजरा तैमूर को आई होप मैंने कर दिया है वेलकम। ठीक है, हाजरा तैमूर को मैंने कर लिया और सिदरा ताहिर मैंने आपको वेलकम नहीं किया है शायद, आई एम सो सॉरी। आलमा नाजिया, ठीक है, आलमा नाजिया को वेलकम कर दिया है तमाम के लोगों को। बाकी जो है वो दीगर जो तारुफ है, क्योंकि मेहमान आज हमारे पास ज़्यादा है तो हम बाकी जो तारुफ है वो भी करवाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के जो है वो सवाल पर आना चाहूँगी कि शब मेराज जो है उसका आखिर जो ये वाक़ा है वो क्या वाक़ है, क्योंकि थोड़ी सी तफसील मैंने बयान की, बेशक मैं इस हद तक आपको जो है वो पूरी तफसील से नहीं बयान कर पाऊँगी, लेकिन हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे मजीद जानेंगे कि आखिर शब मेराज का वाक़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, आपकी तरफ आऊंगी मैं। वालेकुम सबसे पहले आज मैं मेट्रो वन न्यूज़ को इस बाबरकत महफिल के निकात पे मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ये महफिल मुनक्किद की गई है और अल्लाह ताला इस महफिल को सजाने वालों की कोशिशों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, इन्नल्लाहा व मलाइकतु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पढ़ो ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना वो अफजल अमल है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते भी करते हैं और बंदों के लिए अफजल इबादत का दर्जा रखता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी ज़बानों को, अपनी दिलों को, अपनी रूहों को मुअत्तर और मुनव्वर रखें। यहाँ आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुबारक का इनेकाद किया है, हम सब मोहब्बत से जमा हुए, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक में फरमाया है कि उसने तकरीबन 1,24,000 अम्बिया कराम मबूस फरमाए, जिनमें से कुछ अम्बिया कराम की तफसील बयान की है, तकरीबन 25 से 26 अम्बिया कराम का जिक्र तफसील से बयान किया है और सिर्फ चंद के नाम बयान किए हैं। अल्लाह ताला खुद इस कुरान पाक में फरमाता है कि अगर वो तमाम के तमाम 1,24,000 अम्बिया कराम का जिक्र तफसील से बयान कर देता तो वो पढ़ने वालों के लिए आसान ना रहता, सहल ना रहता, मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने जिन अम्बिया कराम की हयात मुबारक का जिक्र अपने कुरान में किया है उनको बहुत खसूसी खसूसियात से नवाजा है, उनको खसूसी मौजजात से नवाजा है, और जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी बहुत सारे मौजजात से वाबस्ता है। लेकिन मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मौजज़ा है जो तमाम मौजज़ों से अफजल है। ये वो मौजज़ा है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात का शर्फ बख्शा। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह रबूवियत में बुलवाया तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होता है, कुरान पाक के 15वें सिपारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सैर करवाई, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि अपनी निशानियाँ अपने बंदे को दिखा सकें, बेशक वो सुनता और जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े शब मेराज के मुतालिक तफसील कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है, लेकिन सूरह वन नजम जो 27वें सिपारे में मौजूद है उसमें बहुत ज़्यादा तफसील से बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मुलाकात का शर्फ बख्शा तो सबसे पहले अपने मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत की सवारी बुराक लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुकद्दस में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र मेराज 4 मराहिल पे मुश्तमिल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पे सवार हुए तो सबसे पहले मेराज की शब जब हम बात करते हैं तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जहाँ आपकी बशरियत को मेराज हासिल हुई, दूसरी हिस्से की बात करते हैं तो मस्जिद अक्सा से आसमान पहले आसमान तक यानी आसमान दुनिया तक आपको मलकियत की मेराज हासिल हुई, तीसरे आसमान की बात करते हैं फिर आसमान अव्वल से सिदरतुल मुंतहा तक आपकी नूरानियत मुकद्दसा को मेराज हासिल हुई, फिर सिदरतुल मुंतहा से लामका तक आपकी हकीकत मुस्तफ़ावी को मेराज हासिल हुई, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम
बशरियत को मेराज हासिल हुई। सुभान अल्लाह। असल में हकीकत क्या है नाज़रीन, कि हमारी अकल इस बात को तस्लीम करने पर हैरान है कि ये पलक झपकते में कैसे हो गया, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए हैं और वापस जब तशरीफ़ लाए हैं तो आपका बिस्तर मुबारक उसी तरह गर्म था, यानी कि आपके दरवाजे मुबारक की कुंडी वो हिल रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार हुए तशरीफ ले गए तो बुराक की रफ्तार ऐसी थी कि रोशनी की रफ्तार जो एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो हमारी निगाह जो हमारे रब्बुल आलमीन ने अता की कि हम जहाँ तक निगाह देख सकते हैं, जहाँ तक रोशनी की निगाह जा सकती है, वो उस बुराक की सवारी का पहला कदम था। तो आप सोच सकते हैं कि वो सवारी किस तेज़ी से गई और वापस आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज के सफ़र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम करामन कातिबीन उनके साथ रहे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे पहुँचे, मेराज के सफ़र पे सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इससे आगे मेरी कायनात नहीं, इससे आगे मैं नहीं एक कदम बढ़ा सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे पर जल जाएंगे। करामन कातिबीन भी आपसे अलग हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र तन्हा फरमाया और अल्लाह से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ये वो जगह थी ना जहाँ कोई रोशनी, ना अंधेरा, ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई पानी, ना कोई हवा, एक अलग ही मकान था, यानी ला मकान वाली कैफियत थी कि उस रब से मिलने गए जिसका कोई मकान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बुल आलमीन के दरमियान जो कुछ हुआ वो अल्लाह जानता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और जो अल्लाह के नबी ने अपने प्यारों को इसके बारे में बताया वो जानते हैं। नाज़रीन किराम, बात क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज के सफ़र को हम दिलो जान से यकीन तस्लीम करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो सच और हक है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोजख की भी मतलब सफ़र करवाया और जन्नत का भी, तो जब जन्नत का सफ़र करवाया यानी जन्नत की सैर करवाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुशाहदात किए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मेरे महबूब, इस जन्नत में तुम्हारे उम्मतियों के घर हैं, अगर कोई कमी लगती है तो हमें बता दो। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, यानी कि अल्लाह के नबी किस मकाम पे तशरीफ़ फरमा है और अपने उम्मतियों को नहीं भूलें। जब जब अल्लाह ने पूछा महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो अल्लाह के नबी ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं अपने उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। जब जब अल्लाह ने अर्ज़ की फरमाया कि महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ, मेरी उम्मत को बख्श दे। बेशक तो ये सफ़रे मेराज ऐसा है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं तो अल्लाह ने नमाज का तोहफ़ा अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों की बातों से रोकती है। तो मरने के बाद भी सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, नमाज के बारे में तो है और नमाज के बारे में हम दीगर डिस्कस भी करेंगे, आगे चलेंगे हम और नात की तरफ यहाँ पर जो है वो चलेंगे और नात भी हम जो है वो सुनेंगे। हमारे साथ तमाम तर जो है वो नात ख्वान भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमें जो है वो एक और नात ख्वान ने भी यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, इनको माइक दे दें जी। खैरियत से हैं, आपको शब मेराज बहुत ज़्यादा मुबारक हो सबसे पहले तो, और जो है वो तमाम तर जो है लोग आप लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, हमारे साथ रहिए। वसल्लम अलैका या हबीबल्ला, जुना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लु अलैहि वालिही अलैहि वालिही।
जो न होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। ये नहीं किसी की मचाल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। न फसील है न महल सरा, तेरा फर्श है है जान बजा। तेरी सादगी है कमाल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है वो ये कलाम पेश किया। और जो है वो अल्लाह पाक इन तमाम, हम जो कलाम आज पेश कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों के सदक़े जो है वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेहद इंसान जो है वो तमाम तर लोग परेशान यहाँ नज़र आते हैं और सबकी यही इल्तिजा है कि उनकी दुआएँ जो है वो कबूल हो जाएँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये यहाँ पर किया जाता है और हर कोई भी सवाल करता है कि हमारी दुआएं जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्यों कबूल नहीं हो रही। आखिर हम इबादत कर रहे हैं, आखिर हम तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, आखिर कहाँ ऐसी चीज़ है जो हमारी इबादत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही। कहते हैं ना कि अगर आप किसी एक बंदे की भी जो है, यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्स जो है वो बेहद नेक बंदा जो है वो दुनिया के सामने नज़र आता था, तमाम तर लोगों को जो है वो ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो तमाम तर जो है वो बहुत ही नेक बंदा है। उसने खैरात की, बेहद उसने खैरात की, लोगों को जो है वो एक लोगों के लिए एक शेल्टर होम बना लिया जिसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो उस बंदे को दी जाती थी। अब तमाम तर जो लोग थे उस कॉलोनी के, जो लोग थे उस गांव के, वो लोग कह रहे थे कि आप बेहद ये बंदा तो जो है वो ये बंदा तो बड़ा नेक है, तो ये बंदा तो जन्नती होगा। हम अपनी तरफ से प्रिटेंड कर लेते हैं ना कि ये बंदा जन्नती होगा, ये दोज़खी होगा। जैसे हमें पहले से पता है कि यार इसके अमाल जो है वो ऐसे हैं, तो इसके अमाल जन्नती वाले हैं, उसके अमाल दोज़ख वाले हैं। जैसे हमें पहले ही जो है वो किसी ने बता दिया कि अमाल की किताब में क्या लिखा है, तो उस बंदे के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा गया कि ये बंदा जो है वो जन्नती होगा क्योंकि ये लोगों के बारे में बहुत सोचता है और लोगों के बारे में बहुत कुछ करता है। इसी के जो है वो एक सामने एक और शख्स था,
उस शख्स ने जो है उसके पास आमदनी नहीं थी, जो मकान था वो भी कच्चा पक्का सा मकान था, कोई आलीशान मकान नहीं था, कोई महल नहीं था। अब उसके पास जो है वो एक कच्चा पक्का सा उसका मकान था। अब उसके मकान में उसके लिए जो है वो राशन वगैरह रखा था, थोड़ा बहुत उसका राशन था। उसने देखा कि एक खातून है जो कि भूखी है, उसके दरवाजे पर उसने दस्तक दी है। उसने कहा मैं रास्ता भूल गई हूँ और मुझे भूख लगी है, सफ़र पर जा रही है और भूख लगी है उसे। तो उसने कहा मेरे पास खाना जो नहीं है। तो उस बंदे ने, उस जो वो गरीब बंदा था जिसके पास अपना पक्का मकान भी नहीं था, उसने उस जो खातून थी उसकी मदद कर ली। अब उसकी मदद की तो कयामत में जो है वो दोनों लोग सामने आए। अब वो जो बंदा था उसे जन्नत में जगह नहीं मिली जो कि महल का मालिक था, और महल के मालिक वाले को जन्नत में जगह नहीं मिली। लोगों ने सवाल किया कि आखिर महल का मालिक था, बेहद लोगों की मदद करता था, हर चीज़ थी, तो आखिर जन्नत में क्यों उसे जगह नहीं मिली? और वो इंसान जो कि उसका खुद का मकान नहीं था और कच्चे मकान में वो रहता था, इतना ज़्यादा वो लोगों की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास खुद के लिए जो है वो भी उसके पास कुछ खाने को नहीं होता था, लेकिन उसने मदद की थी। अब जब ये सवाल पूछा गया तो अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम तर चीज़ों का जो है वो दारोमदार ईमान पर है, नियतों पर है। आपकी नियत जो है वो जाहिर करती है कि आपका ईमान क्या है। अगर आप किसी एक बंदे को एक कतरा पानी का दे रहे हैं, आपकी नियत साफ है, तो वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो उस पूरे दरिया से ज़्यादा कीमत रखता है जो कि आपने किसी इंसान को देने के बाद उसका एहसान जताया हो। तो सबसे बड़ी बात है कि एहसान जताना जो है वो भूल जाए। हज़रत अली ने फरमाया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो कहते हैं ना कि अगर किसी पर एहसान करो तो उसके शर से बचो, और अगर किसी को दो कुछ, उसको दो खैरात दो या कुछ भी दो, तो आपके दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने उस बंदे की मदद की है। इन तमाम तरह चीज़ों पर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए मज़ीद हमारे साथ जो हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको एक बार फिर वेलकम करेंगे आप तमाम लोगों को। मैं आपकी जानब आऊँगी। आयमा नासिर भी हमारे साथ जो है वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने बेहद खूबसूरत जो है वो तिलावत भी पेश की थी। मुख्तसर सा सबसे पहले जो है वो इस सवाल का मैं जवाब चाहूँगी कि आखिर जो है वो इबादत सब करते हैं, जाहिर सी बातें बेहद बड़ी बड़ी जो है वो लोगों की महफिलें भी सजती हैं, महफिल मिलाद होता है, इबादत होती है, मसाजिद में इबादत होती है, लेकिन अगर हम देखें कि क्या तरीक़ेकार है एक इबादत करने का इस जो है वो खूबसूरत दिन में। नहमदहू वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे आपने दावत देकर और इस खूबसूरत महफिल में शिरकत करने के बाद इसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू करने की मुझे सआदत हासिल हो रही है। तो जैसे बहन ने सवाल किया इबादत के हवाले से, तो इसकी तरफ आने से पहले जैसे कि हम सब जानते हैं ये मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस महफिल को सजाया गया है और इसमें सबकी शिरकत हुई है, तो इसके हवाले से चंद कलिमात ज़िक्र करके फिर आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि जैसे कि शुरू में भी पहला सवाल भी किया गया था कि ये मेराज कब हुई, और इसका बहन जवाब भी इनायत फरमाया। तो देखिए ये माह रजबुल मुरज्जब वो मुबारक महीना है कि जिसके मुतालिक खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो महीने तो सारे अल्लाह ताला के हैं, लेकिन यहाँ जो ज़िक्र किया गया तो ये माह रजबुल मुरज्जब की खसूसियत और उसकी फजीलत की तरफ इशारा है कि ये अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। तो इस महीने की हमें ख़ास तौर पर ताज़ीम करनी चाहिए, और ताज़ीम से मुराद ये है कि हम अपने आमाल की तरफ निगाह करें, अपने आमाल में तब्दीली लाएं, अगर कोई कमी है कोताही है तो उन्हें कामलियत की तरफ लेकर आएं, इबादत की तरफ लेकर आएं, अच्छे से अच्छे अंदाज में इबादत करने की हम सआदत हासिल करें, गुनाहों को तर्क करें। तो इसी मुबारक महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27वीं शब में मेराज रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज की सआदत बख्शी, मेराज से नवाजा, और ये वो आपको सआदत अता की गई कि तारीख़ इंसानियत, तारीख़ नबूवत, बल्कि पूरी कायनात में ये ऐसा मुहय्यरुल उकूल, अक्लों को हैरान कर देने वाला, आजिज़ कर देने वाला वाकया पेश आया
कि अकले हैरान हैं आज तक, इसको इतनी सदियां गुजर गई हैं लेकिन जब भी इसको ज़िक्र किया जाता है इसकी चाशनी बरकरार है, इसकी मिठास बरकरार है, और इसमें हर एक आशिक इसको बयान करके अपने दिलों को सुरूर बख्शते हैं, सुरूर हासिल करते हैं इस वाक़े को ज़िक्र करके। और क्यों ना हो कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व ताला ने शर्फ बख्शा, किसी नबी को ये मर्तबा ना मिला है और ना मिलेगा, वो मकाम हमारे आका को अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया। और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में दो मकामात पर ज़िक्र किया गया है, एक तो सूरह बनी इसराइल जैसे बहन ने जिक्र किया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा ख़ास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। और फिर इसी आयत मुकद्दसा में इस वाक़े के आगे मकसद भी बयान किया गया कि क्यों ले गया, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि वो अपनी निशानियां, अपने वाक़यात, अपने अजाइबात अपने महबूब को दिखाए। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये 27वीं शब वही रात, ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को अपने दीदार से के हालत बेदारी में जिस्म और रूह के मजमू के साथ बिला हिजाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला का दीदार फरमाया। बेशक इसी पर जो है वो इस बात को जो है मुकम्मल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।